संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पेथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में किया जाए, यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इसमें 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बट जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति, झंडा समिति आदि। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी। समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था। इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए, लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया, उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधानसभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सकें। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियां, सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित की गई।